शिव की पूरी बसे बुध सार, तह तुम्हें मिल के कर है विचार। इत उत की सोझी परे, कौन कर्म मेरा कर कर मरे। निज पद ऊपर लागो ध्यान, राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। रहाऊ मूल द्वारे बंध्या बंध, रब ऊपर गह राख्या चंद। पश्चिम द्वारे सूरज तपे, मेर दंड सिर ऊपर बसे। पश्चिम द्वारे की सील ओढ़, तिह सील ऊपर खिड़की और। खिड़की ऊपर दसवां द्वार, कह कबीर ताका अंत न पार। हे जीव दसम द्वार में उत्तम बुद्धि स्थित है, उसे पाकर तुम विचार करो। इसके फल स्वरूप लोक परलोक का ज्ञान होगा। मैं मेरा कर कर मरने का क्या फायदा है। आत्म स्वरूप सच्चे घर पर मेरा ध्यान लगा हुआ है, और राम नाम ही मेरा ब्रह्म परमात्म ज्ञान है। रहाऊ अंतर मन को मूल द्वार प्रभु में बांधा हुआ है। तमोगुणी रूपी रवि पर, सतोगुणी रूपी चांद को रखा है। अज्ञान रूपी पश्चिम में ज्ञान रूपी सूर्य तप रहा है। अंतर मन में ईश्वर जी का ध्यान बस रहा है। पश्चिम द्वार की ओर शिला है, और उस शिला पर एक अन्य खिड़की है। उस खिड़की पर दसम द्वार है। कबीर जी कहते हैं कि उसका कोई अंत अथवा आर पार नहीं। सो मुल्ला जो मन स्यु लरे, गुर उपदेश काल स्यु जुरे। काल पुरख का मर्दे मान, तिस मुल्ला को सदा सलाम। हे हजूर कत दूर बतावह, दुंदर बांधह सुंदर पावह। रहाऊ काजी सो जय काया विचारे, काया की अगण ब्रह्म पर जारे। सुपने बिंद न देई झरना, तिस काजी कौ जरा न मरना। सो सुरतान जय दुई सर ताने, बाहर जाता भीतर आने। गगन मंडल मह लश्कर करे, सो सुरतान छत्र सिर धरे। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे। मुसलमान का एक खुदाई, कबीर का स्वामी रहया समाई। सच्चा मुल्ला वही है जो मन से लड़ता है, और गुरु के उपदेश द्वारा काल से संघर्ष करता है। यमराज के मान का मर्दन करता है, तो उस मुल्ला को मेरा सदा सलाम है। ईश्वर तो पास ही है, उसे दूर क्यों बता रहे हो। काम आदिक द्वंद्वों को नियंत्रण में करो, और सुंदर ईश्वर को प्राप्त कर लो। रहाऊ काजी वही है जो शरीर का चिंतन करता है। शरीर की अग्नि में ब्रह्म परमात्मा को प्रज्वलित करता, और स्वपन में वीर्य का पतन नहीं करता। अर्थात सपने में भी वासना को फटकने नहीं देता। उस काजी को बुढ़ापा अथवा मौत नहीं घेरती। सुल्तान वही है जो ज्ञान वैराग्य के दो तीरों को हृदय की डोरी पर तानता है, और भटकते मन को भीतर ले आए। दसम द्वार में गुणों की फौज बना ले, ऐसा सुल्तान ही छत्र धारण करने का हकदार है। योगी ईश्वर को गोरख गोरख नाम से रटते रहते हैं। हिंदू राम नाम का उच्चारण करते हैं, और मुसलमान केवल खुदा ही मानता है। पर कबीर का स्वामी सब में व्याप्त है। महला पांज जो पाथर कौ कहते देव, ताकि वृथा होवे सेव। जो पाथर की पाई पाई, तिसकी घाल अंजाई जाई। ठाकुर हमरा सद बोलता, सर्व जिया कौ प्रभ दान देता। रहाऊ अंतर देऊ न जाने अंध, भर्म का मोह या पावे फंध। ना पाथर बोले ना किछ देई, फोकट कर्म निफल है सेव। जे मृतक कौ चंदन चढ़ावे, उसते कह कवन फल पावे। जे मृतक कौ बिस्ता मह रुड़ाई, ता मृतक का किया घट जाई। कहत कबीर हौ केहू पुकार,
समझ देख साकत गवार, दूजे भाई बहुत घर गाले, राम भगत है सदा सुखाले। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी कबीर जी के हवाले से मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए वर्णन करते हैं। जो पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानते हैं उनकी सेवा व्यर्थ ही जाती है। जो पत्थर की मूर्ति पर नतमस्तक होते हैं उनकी मेहनत बेकार ही जाती है। हमारा मालिक शाश्वत है एवं सदैव बातें करने वाला है, वह सब जीवों को देता रहता है। रहाऊ ईश्वर तो हमारे मन में ही है, परंतु अंधा अज्ञान अंध जीव मन में बस रहे ईश्वर को नहीं जानता, इसलिए भ्रम में पड़ा फंदे में फंस जाता है। हे संसार के लोगों, पत्थर की मूर्ति ना ही बोलती है और ना ही कुछ देती है। अतः मूर्ति नमित कर्म बेकार है और मूर्ति पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर मृतिक मूर्ति को चंदन लगाया जाए तो बताओ उससे भला क्या फल प्राप्त होगा। अगर मृतिक को गंदगी में मिलाया जाता है तो भी मृतिक का क्या घट जाता है। कबीर जी विनय पूर्वक कहते हैं कि हे मायावी गवार, सोच समझ कर भली भांति देख, द्वैत भाव ने बहुत सारे लोगों को तंग ही किया है। केवल राम की भक्ति करने वाले सदा सुखी हैं। जल महमीन माया के बेंधे, दीपक पतंग माया के छेदे, काम माया कूचर कौ व्यापे, भुयंगम भृंग माया मह खापे। माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जिये तेते डहकाई। रहाऊ पंखी मृग माया महराते, साकर माखी अधिक संतापे। तुरे उसट माया मह भेला, सिद्ध चौरासी माया मह खेला। छिये जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरज अर्चंदा। तपे रखी सर माया मह सुता, माया मह काल अर पंच दूता। स्वाण सियाल माया मह राता, बस्तर चीते अर सिंघाता। मंजार गाडर अर लूबरा, बिरख मूल माया मह परा। माया अंतर भीने देव, सागर इंद्र अर धरतेव। कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। जल में मछली भी माया की बंधी हुई है, और दीपक के ऊपर मंडराने वाला पतंगा भी माया का बिंधा है। हाथी को काम वासना की माया लगी रहती है, और सांप तथा भवरा भी माया में आसक्त है। हे भाई, माया ऐसी मोहनी है, संसार में जितने जीव हैं इसने सबको बहकाया हुआ है। रहाऊ मृग पक्षी इत्यादि माया में लीन है। शक्कर मक्खियों को बहुत सताती है। घोड़े एवं ऊंट माया में लिप्त हैं, और 84 सिद्ध गण माया में लिप्त हैं। हनुमान लक्ष्मण भीम भैरव इत्यादि 6 ब्रह्मचारी भी माया के बंधे हुए हैं। नौनाथ सूर्य और चांद तपस्वी एवं ऋषि माया में मग्न हैं। काल और काम आदिक पंच दूत माया से अप्रभावित नहीं। कुत्ते भेड़िये माया में लीन हैं। बंदर चीते और शेर बिल्लियां, भेड़े और लूंबड़ियां, और तो और वृक्षों के फूल भी माया में ही पड़े हुए हैं। देवी देवता माया में लिप्त हैं। सागर इंद्र तथा धरती मायामय है। कबीर जी कहते हैं कि जिसे पेट लगा है वही माया में तलीन है। जब साधु प्राप्त हो जाता है तो जीव माया जाल से छूट जाता है। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाई,
तब प्रभ काज सवारह आई, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमरह दुख भंजना। रहाऊ जब लग सिंह रहे बन महा, तब लग बन फूले ही ना, जब ही स्यार सिंह कौ खाई, फूल रही सगली बन राई। जीतो बूढ़े हारो तीरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कहे समझाई, केवल राम रह लिवलाई।